हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं इमोन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल चलते रहो। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया कार एक्सेसरी को। ये कार एक्सेसरी है ह्यूंडई की तरफ से एक कार डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज़र। इस डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज़र को शायद अभी तक किसी ने भी यूट्यूब में रिव्यू नहीं किया होगा, मैं ही फर्स्ट रिव्यू कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट स्टार्ट विद द लुक्स एंड द बिल्ड क्वालिटी। मेरे ख्याल से ये काफ़ी प्रीमियम और अप मार्केट लुकिंग कार डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज़र है और ये ब्राउन लेदर राइट से बना हुआ है और वाइट स्टिचिंग अवेलेबल है। साइड में देख लीजिए, पूरा वाइट स्टिचिंग है। यहाँ से होके ये पूरा कॉर्नर से होते हुए पीछे तक जाता है ये स्टिचिंग। ये देख लीजिए, पूरा पूरा एज में ये स्टिचिंग किया गया है और काफ़ी अच्छा है इसका स्टिचिंग क्वालिटी। बीच में हुंडई का लोगो भी अवेलेबल है जो कि ज़्यादा क्लियर नहीं है मगर अच्छा दिखता है। इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, स्टिचिंग बढ़िया है और कहीं पर भी कुछ भी कॉस्ट कटिंग भी नहीं किया गया है। टच करने पे एक सॉफ्ट टच वाला फीलिंग भी आता है। तो चलिए अब इसको खोल लेते हैं और देखते हैं अंदर कितना स्टोरेज अवेलेबल है। ऐसे खुलता है, खुलने के बाद ही आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर में एक स्टोरेज पॉकेट अवेलेबल है जहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। बहुत ही बड़ा पॉकेट है यहाँ पे आपको एक रबर बैंड मिलेगा जहाँ पे आप अपना पेन रख सकते हो। फिर आपको इधर कार्ड होल्डर मिलेगा, एक एक दो तीन चार पाँच छः कार्ड होल्डर आपको मिलेगा। आप अपना सिक्स कार्ड यहाँ पे रख सकते हो। ये मेरा स्मार्ट कार्ड है इधर। आप चाहो तो इसमें अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी रख सकते हो। अब पीछे दो और पॉकेट्स है, इधर एक और इधर एक, जहाँ पे आप अपना पैसा और कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हो। अभी इसके पीछे एक और बड़ा पॉकेट है, मैं आप सबको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपना पॉल्यूशन और इंश्योरेंस के कागजात रख सकते हो, मैंने रखा हुआ है, देख लो। देखिए काफ़ी बड़ा स्पेस है और काफ़ी, इधर एक चेन मिलेगा आपको, बहुत ही बड़ा चेन है। इसको खोलेंगे तो यहाँ पे पूरा ये स्टोरेज आपको मिल जाएगा, पूरा यूटिलाइज हो जाएगा इसका। मैंने यहाँ पे अपना टैक्स इनवॉइस का पेपर रखा हुआ है। ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में और अंदर चला भी जाता है आराम से, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। ये देखिए बहुत ही आराम से ये फिट हो गया, कोई दिक्कत का बात नहीं। यहाँ पर एक और आपको स्पेस मिलेगा। तो मेरे क्या ख्याल से तो ये एक हुंडे की तरफ से लॉन्च किया गया सबसे अच्छा कार एक्सेसरी है अभी तक का। और कोई एक्सेसरी मुझे इतना पसंद नहीं आया जितना कि ये मुझे पसंद आया था। मैंने ये परचेज़ किया था फरवरी के आसपास, तो अभी तो 4 महीने हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। तो अभी तक का इसका रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया रहा है, कहीं भी कुछ भी फटा नहीं और कुछ भी डैमेज अभी तक तो नहीं हुआ है। अगर मेरी रिकमेंडेशन आपको चाहिए तो मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर इसको परचेज़ कीजिए। एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही सस्ता एक्सेसरी ये है और क्वालिटी तो मैंने पहले ही बताया है कि बहुत अच्छा है, कोई कंप्लेंट नहीं है इसका अभी तक। तो मेरी तरफ से तो कोई कंप्लेन इसका नहीं है। अभी फ्यूचर में अगर कुछ आएगा तो उसका वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा। अभी बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज की। तो आपको वो सुनकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ 350 से 400 के रुपीस में मैंने ख़रीदा था।
अभी प्राइस शायद थोड़ा बढ़ गया है, 500 के आसपास है अभी का प्राइस, क्योंकि मैंने जब ख़रीदा था तो ये एक लॉन्च प्रोडक्ट था, इसलिए थोड़ा डिस्काउंट मुझे मिल गया था, और मैं जहाँ से लिया था वहाँ थोड़ा डिस्काउंट मुझे मिलता है, इसलिए थोड़ा बहुत डिस्काउंट मेरा हो गया था। आपको ये आफ्टर मार्केट या फिर ऑनलाइन शायद नहीं मिले, आप एक बार चेक कर लेना। और आपको ये परचेस करना हो तो किसी भी हुंडई डीलर के पास जाइए, अभी ये हुंडई डीलर के पास अवेलेबल है, या फिर अवेलेबल नहीं भी हो तो आप इसका ऑर्डर कर सकते हो, वो आपको मंगवा देगा। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, कि होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ये प्रोडक्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं इस तरह का एक्सेसरी का वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।